वेलकम बैक गाइज ऑन आईटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं सेक्शन 2 में। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि इस डेटाबेस प्लेलिस्ट को हम लोग 7 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि जो पहला सेक्शन है अपना वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने उस पूरे वीडियोज़ को सिक्वेंशली एक्सेस नहीं किया है तो इस लिंक पर क्लिक करिए और वो सारे वीडियोज़ को सिक्वेंशली एक्सेस करिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इंक्लूड होंगे हमारे सेक्शन 2 में। तो जो सेक्शन 2 में पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे एसक्यूएल से। समझेंगे कि बेसिक एसक्यूएल का क्या मतलब है, एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन कब हुआ और क्यों हम लोग एसक्यूएल का यूज आज की डेट में भी करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस को क्रिएट डिलीट कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं और कैसे हम लोग डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे DDL कमांड और DDL कमांड में हम लोग कवर करेंगे क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। फिर हम लोग देखेंगे DML कमांड जिसमें होगा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और बाकी जितने कमांड्स रह गए हैं जैसे कि DQL कमांड, DCL कमांड, उन सारे कमांड्स को हम लोग कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में ही। तो बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर पुराने हैं तो इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिए और जिसे भी इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत हो उसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिसिएट योर टाइम। थैंक यू।